जब भी हम YouTube पे वीडियो वगैरह डिलीट करते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं कि अगर हम अपनी वीडियो डिलीट करते हैं क्या हमें उसका वॉच टाइम मिलेगा, क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो पाएगा, क्या हमारा चैनल YouTube पे रैंक करेगा या ग्रो होगा, या YouTube से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आते हैं अगर हम डिलीट करते हैं क्या वो हट जाएगा पूरी तरह से। तो ये सारे डाउट है जो कि हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जब हम वीडियो डिलीट करने की सोचते हैं। तो ये सारे डाउट आपके इस ब्लॉग में पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बात, हम वीडियो डिलीट करते क्यों हैं? या तो हमारे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाता है YouTube से, या हमारे जो पहले की वीडियो वो थोड़ी मिक्स कंटेंट में हो जाती है, या तो कुछ ऐसी वीडियो रहती है जो कि हम चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे चैनल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो या तो उसकी क्वालिटी सही नहीं रहती या हमने सही ढंग से वो वीडियो बनाई नहीं रहती, तो इसलिए हम डिलीट करने की सोचते हैं ये सारी वीडियो। अगर हम अपनी YouTube से वीडियो डिलीट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है? पहला, जो आप सोचते हो कि अगर हम वीडियो डिलीट करते हैं क्या हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो दोस्तों आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके वीडियो काउंट है वो कम हो जाता। अगर आपने YouTube पे 100 वीडियो डाली है और आपने 10 वीडियो डिलीट कर दी तो एकदम से उसका काउंट डाउन हो जाता है, मतलब कि 100 से 90 में। जैसे कि आप YouTube पे डेली वीडियो डालते हो तो उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन बढ़ता है, आपकी वीडियो रैंक करती है, आपकी वीडियो सर्च में जाती है और आपका चैनल भी ग्रो होता है। पर आप अगर वो 10 वीडियो डिलीट कर दोगे तो एकदम से सारी चीज़ें डाउन हो जाएगी, आपका इंप्रेशन रेट डाउन हो जाएगा, आपकी आपकी वीडियो YouTube सर्च में नहीं जाएगी, आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, और यहाँ तक कि आपका चैनल फ्रीज भी हो सकता है, मतलब कि सब कुछ आना बंद हो जाएगा, मतलब कि आपके व्यूज आना बिल्कुल रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हो अगर आप वीडियो डिलीट करते हो अपने YouTube चैनल पे। दूसरी चीज़, क्या हमें उसका वॉच टाइम मिलेगा जो हम वीडियो डिलीट करेंगे? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपने वीडियो ही डिलीट कर दी तो उसका वॉच टाइम फिर कहाँ रहेगा, क्योंकि आपने वीडियो डिलीट कर दी तो उसके जो वॉच टाइम है वो भी नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको जो सब्सक्राइब भी आए हैं उसमें वो भी आपके काउंट नहीं होंगे, वो सारे माइनस हो जाएंगे आपका वॉच टाइम से भी और आपके सब्सक्राइब से भी। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वीडियो ही डिलीट कर दी यूट्यूब चैनल से अपने, तो इसलिए वो माइनस हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप वीडियो डिलीट करते हो। यहाँ तक कि अगर आपने अपनी वीडियो प्राइवेट में रखी है तो उसके भी आपके वॉच टाइम काउंट नहीं होंगे, आपका आपको सब्सक्राइब मिल जाएंगे बट आपको उसका वॉच टाइम आपके जो व्यूज आए उसमें हजारों या लाखों में उसका वॉच टाइम आपके उसमें ऐड नहीं होगा, पता क्या। तीसरी चीज़ जो कि हम सोचते हैं कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा अगर हम चैनल डिलीट करते हैं? अगर आपने जो वीडियो डिलीट किए 10, अगर उसके बाद भी आपका 4000 आवर पूरा हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपका 4000 घंटे पूरे हो गए, अगर आपने 10 वीडियो डिलीट कर दी और आपने मोनेटाइज के लिए भेज दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि उसका वॉच टाइम आपका काउंट ही नहीं होगा। जो 10 वीडियो आपने डिलीट किए उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, उसके व्यूज़ नहीं मिलने वाले, तो इससे क्या होगा कि आपका चैनल जो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथी चीज़, यूट्यूब स्ट्राइक, जो कि एक होती है वार्निंग स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, एक होती है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम तो बिल्कुल आसान है, जो कि आप खुद से ही अपने हाथ से उसको हटा सकते हो कॉपीराइट क्लेम को, जो कि बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं वार्निंग स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। अब ये कैसे, अगर आप डिलीट करते हो क्या ये चीज़ हटेगी? तो दोस्तों वार्निंग पहले आ जाता है, वार्निंग स्ट्राइक, अगर आप वीडियो, अगर जिस वीडियो में आपकी वार्निंग स्ट्राइक आ रही थी अगर वो वीडियो आपने डिलीट कर दी तो आपकी वीडियो तो डिलीट हो जाएगी, बट वो जो वार्निंग स्ट्राइक है वो वैसे ही रहेगा आपका, वो कभी हटने वाला नहीं है, तो इसलिए अपनी वीडियो को डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है। जो वार्निंग स्ट्राइक है वो हमेशा ही रहेगी, चाहे आप उसको प्राइवेट कर दो या वीडियो को डिलीट कर दो, तो इसलिए आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रहेगा वार्निंग स्ट्राइक, हमेशा वो आपको वैसे ही शो होती रहेगी। अब दूसरा आ जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। तो दोस्तों जब भी आपका पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, YouTube आपको चांस देता है कि अपनी वीडियो सर्च करो कि जो स्ट्राइक आ रही है वो वैलिड है या नहीं है, अगर वैलिड नहीं होती तो आप उसको अपील कर सकते हो कि भाई ये जो स्ट्राइक आ रही है वो गलत है, ये मेरी स्ट्राइक है, मेरा 100% है, मैंने हर चीज़ फॉलो की है, तो ये जो स्ट्राइक आई है वो गलत है, तो आप अपील कर सकते हो। अगर आप अपील करते हो तो आपका जो स्ट्राइक जो आया है YouTube से वो हट भी सकता है, बट अगर जैसे ही अगर कोई स्ट्राइक आपके पास आता है, एक स्ट्राइक आपके पास आता है, तो अगर आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हो वैसे तो वो स्ट्राइक 90 दिन में हट जाता है, बट अगर आपने वीडियो डिलीट कर दिया तो वो स्ट्राइक आपका हमेशा ही रहेगा। जब भी कोई कम्युनिटी स्ट्राइक आए उस किसी भी वीडियो में तो आपको वो डिलीट नहीं करना, आपने सर्च करना है, उसको वैसे ही रहने देना है, और जो आपका कम्युनिटी स्ट्राइक जो आ रहा है वो 90 दिनों में वो हट जाएगा, तो आपको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है अपनी वीडियो। जिस वीडियो पे आपकी स्ट्राइक आ रही है तो आपको सर्च करना है, क्योंकि 90 दिन के अंदर अगर आपकी 3 स्ट्राइक अगर आ जाती है, एक तो पहली आ गई, अगर 2 और आ गई 90 दिन के अंदर, तो आपका चैनल रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका चैनल रिमूव भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए। इसलिए आपको चेक करना है अपना वीडियो कि और कोई मैंने गलती, और दूसरी वीडियो भी आपने चेक करनी है कि ऐसी गलती मैंने सेम दूसरी वीडियो भी तो नहीं की, तो आपको ये सारा चेक करना है, आपको डिलीट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब ये सारी चीज़ें तो होगी जो कि हम डिलीट करने से हम बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने कभी भी अपनी वीडियो डिलीट नहीं करनी है,
आप ये कर सकते हो, आप उसको प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट से क्या होगा कि आपका वॉच टाइम तो नहीं मिलेगा, बट आपके जो सब्सक्राइबर वो बिल्कुल मिलेंगे, आपको पूरे सब्सक्राइब मिलेंगे, तो आपको डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।